Hello friends, Raj is here and welcome to my new video. How can two users watch Netflix at same time? एक ही समय पर दो यूजर्स Netflix पर मूवी कैसे देख सकते हैं? अगर ये जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप एक टाइम पर अपने फ्रेंड के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वो भी 199 के प्लान में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़रा भी पुश मत करना, वरना ट्रिक मिस कर सकते हो। तो वीडियो को करते स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की ओर, स्क्रीन को ध्यान से देखना। तो आपको पता ही होगा 199 प्लान में सिर्फ एक आईडी से मूवीज़ या सीरीज डाउनलोड कर सकते हो, बाकी चार आईडी से नहीं कर सकते, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही आईडी से मूवी देख सकते हो। तो आपको करना है कि जो आईडी से डाउनलोड कर सकता है उसे बताना है कि जब कोई नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा हो तो उसके आईडी में जाकर जो उसने डाउनलोड कर रखा है वो देखे। इस तरीके से एक टाइम पर ही दो डिवाइस नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ या सीरीज़ देखी जा सकती है। बट याद रखना, जो डाउनलोड कर रहा है उसके आईडी से नहीं, बल्कि जो पहले से ही मूवीज़ या सीरीज़ देख रहा है उसके आईडी में जाकर देखना है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया हो, और अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप देखते हैं दूसरा तरीका। ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको और आपके दोस्त को सेम मूवी या सेम एपिसोड देखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक ऐसे ही वर्क करती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे यूज़ करें। तो आपको करना ये है कि आपको आपके दोस्त के आईडी में जाना है जिसके साथ आपको मूवी या सीरीज़ देखनी है। तो आईडी में जाकर आपको आपके दोस्त को एक मूवी सिलेक्ट करनी है, दोनों को सेम मूवी सिलेक्ट करनी होगी। आप अलग अलग मूवी नहीं कर सकते सिलेक्ट, इससे ये ट्रिक नहीं वर्क करेगी। तो मूवी सिलेक्ट करके प्ले करने के बाद आप और आपका दोस्त एक टाइम पर दो डिवाइस से मूवी देख सकते हो। अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो आपको सेम टाइम पर सेम एपिसोड देखना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त एपिसोड 1 देख रहा है तो आपको भी एपिसोड 1 ही देखना पड़ेगा। आपका दोस्त एपिसोड 1 और आप एपिसोड 2 एक ही टाइम पर दो डिवाइस पर नहीं देख सकते, ये ट्रिक ऐसे वर्क नहीं करती। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई हो। अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिले। और इस वीडियो को उस दोस्त को भी शेयर करो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को करते स्टॉप और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।